फर्स्ट गियर 39, सेकेंड गियर 64। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर मैं आज ही रहूँ सिर्फ आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी, मेरे जॉब में कुछ दिक्कत आ गई थी, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। सो गाइस, आज फाइनली मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल गया है। सो गाइस, आज मैं आपको मेरी जो ये पल्सर है इसमें आपको पावर टेस्ट करके बताने वाला हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा, मेरी पल्सर के ऊपर। इसमें मैंने क्या क्या फ़िलहाल खर्चा किया है, इंजन के ऊपर क्या खर्चा किया है, टायर्स भी नए डाले हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के दिखाऊंगा। पहले एक अच्छी सी प्लेस पे चलते हैं जहां मैं आपको बाइक खड़ी करके पूरी बाइक की व्यू दूंगा। सो गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, ये है मेरी पल्सर। यहां पे मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की स्टिकरिंग करा के रखी है और फ्रंट की टायर आप देख सकते हो, फ्रंट की टायर मैंने डाली है। नई तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है, उसने अपनी पल्सर की जो फ्रंट की टायर है वो मिसलिन की लगाई, इसलिए उसकी जो सीएट की टायर लगी हुई थी उसने मुझे दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप पीछे की टायर देख लो, पीछे की टायर भी मैंने 100 सेक्शन की जगह 110 डाल दी है। इसमें मुझे ये टायर की कॉस्ट मुझे पड़ी लगभग 1850-1900 के करीब। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं ब्लॉक पिस्टन नहीं डाली हुई, एकदम न्यू फ्रेश शोरूम से ख़रीदी हुई। और उसके बाद जो एक कमी थी मेरी बाइक में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर पुरानी वीडियो मेरी देखे हो तो आपको पता चलेगा ये जो आरपीएम का मीटर है ये काम नहीं कर रहा था, ये टूट के बाहर आ गया था, तो इसे भी मैंने ठीक करा लिया है। तो गाइस, ओवरऑल आप एक बार बाइक की लुक ले लो, क्या लग रही है यार बाइक। सो गाइस, फटाफट से मैं आपको बाइक की पावर टेस्ट कराता हूँ, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम एक हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ रोड थोड़ा खाली होने का वेट करते हैं। सो गाइस, मैं फटाफट से आपको पावर टेस्ट करके बताता हूँ और हो सके तो मैं आपको इस बाइक की अभी फ़िलहाल की टॉप स्पीड भी बता सकता हूँ, अगर हो सके तो, अगर रोड खाली मिली तो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं 1, 2, 3 आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर बताऊंगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, फर्स्ट गियर 39, सेकेंड गियर 64, थर्ड गियर 86, फोर्थ गियर 97 एंड गाइस लास्ट गियर फिफ्थ गियर पे है बाइक। गाइज, बाइक सो गाइज, इस बाइक की जो अभी फिलहाल की टॉप स्पीड है ब्लॉक पिस्टन चेंज करने के बाद वो है 104, और बाकी मैंने आपको पावर टेस्ट करके भी बता दिया
अभी बाइक की ब्लॉक पिस्टन चेंज होने के बाद सर्विसिंग, एक भी सर्विसिंग नहीं हुई है, इसलिए टॉप स्पीड उतनी नहीं जा रही। और मैंने टायर्स भी थोड़े ब्रॉड टायर्स डाले हैं, 100 सेक्शन के जगह 110, और आगे जो 75-80 होती है उसके जगह मैंने 90-90-17 के टायर्स डाले हैं। तो इस वजह से भी हाई स्पीड पे कुछ थोड़ी कमी रह गई है। सो गाइस, अभी तो फिलहाल हम रॉन्ग साइड में हैं, तो चलते हैं धीरे धीरे आराम से। और गाइस, बहुत जल्दी मैं इसकी एक सर्विसिंग की वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गाइस, और इतने दिन तक मैंने क्या किया, जॉब तो किया ही मैंने, उसके अलावा मैंने अपनी थोड़ी बहुत स्टंट राइडिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आप वीडियो में थोड़े मज़े ले लो, मैंने स्टॉपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी आपको व्हीली और रोलिंग स्टॉपी करके दिखाऊंगा। फिलहाल उसकी प्रैक्टिस चल रही है, आप एक बार वीडियो में देख लो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो भी गाइस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।